Hello and welcome to Digital Classroom. This is Rashima and you're watching English Lessons with me. Dear students of class 9th, today we are going to do a very touching story, The Last Leaf, written by O. Henry from your supplementary reader, Moments. So here we go. Before reading the story, let's have a look about the author. William Sidney Potter was born on September 11, 1862 and died on June 5, 1910. Better known by his pen name O. Henry, was an American short story writer. William Sidney Potter, जिनका जन्म September 11, 1862 में हुआ और उनकी मृत्यु 5 जून 1910 को हुई, उन्हें ओ हेनरी के नाम से जाना जाता है। वो एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। उन्होंने अपनी सारी राइटिंग्स ओ हेनरी पेन नेम से ही लिखी हैं। द लास्ट लीफ। ऑथर ओ हेनरी। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। जॉनर शॉर्ट स्टोरी। Published in The Trimmed Lamp and Other Stories. Publication date 1907. The 2013 Hindi film Lutera is loosely based on The Last Leaf. The Last Leaf एक short story है और इस story पर बहुत सारी English और Hindi movies भी बन चुकी हैं। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म लुटेरा जो 2013 में रिलीज हुई, वो भी द लास्ट लीफ शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड है। आई होप आपने वो फिल्म ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि हम उसे द लास्ट लीफ स्टोरी से रिलेट कर पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम्स द थीम ऑफ द स्टोरी। The main themes explored in the short story, The Last Leaf by O. Henry, are that of friendship, optimism, selflessness and sacrifice. इस story के जो main themes हैं वो क्या हैं? Friendship यानी दोस्ती, optimism आशावादी होना, selflessness निस्वार्थ भाव and sacrifice बलिदान। These themes are illustrated by Sue and Behrman and their efforts to help John C. find a reason to live and something to hold on to. ये themes Sue और Behrman द्वारा दर्शाए गए हैं इस story में, और किस तरह से Sue और Behrman ने इन themes को इस story में justify किया है। जॉन सी जो जीने की इच्छा खो चुकी थी, स्यू और बहरमान अपनी फ्रेंडशिप, अपने सेल्फनेसनेस और सैक्रिफाइस से जॉन सी को जीने का रीज़न देते हैं और उसे जीवित रहने के लिए प्रेरित करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोरी। इट इज़ ऑटम, द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हेविली। पतझड़ का मौसम है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन। एक आईवी क्रीपर की सारे पत्ते झड़ चुके हैं सिर्फ एक पत्ते को छोड़कर। व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल। उस आईवी क्रीपर का, उस बेल का आखिरी पत्ता क्यों नहीं गिरता है? इसी सवाल का जवाब हम इस स्टोरी में ढूंढेंगे। स्यू एंड जॉनसी, टू यंग आर्टिस्ट्स, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। स्यू और जॉनसी दो यंग आर्टिस्ट्स हैं और वो एक फ्लैट में इकट्ठी रहती थी। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। वो फ्लैट एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर था। जॉनसी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर।
जॉन्सी नवंबर के महीने में बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई। शी हैड निमोनिया, उसे निमोनिया था। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स लाइक कोरोना और COVID-19। निमोनिया एक तरह का लंग्स का इन्फेक्शन होता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। वो अपने बेड पर बिना हिले डुले लेटी रहती थी और विंडो के बाहर लगातार देखती रहती थी। गेजिंग आउट मीन्स लगातार देखना। सीयू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड। सीयू जो उसकी सहेली थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर। सेंट फॉर मीन्स बुलवाना। सीयू ने डॉक्टर को बुलवाया। ऑल दो ही केम एवरी डे, देर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। हालांकि डॉक्टर हर रोज आते थे लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आया। वन डे द डॉक्टर टुक सीयू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन डॉक्टर सीयू को एक साइड पर लेके जाते हैं और पूछते हैं, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या जॉन्सी को कोई चीज परेशान कर रही है। नो रिप्लाइड सीयू। सीयू ने रिप्लाई किया, नहीं, बट व्हाई डू यू आस्क, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा। द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती। इफ शी डजंट वॉन्ट टू लिव, मेडिसिंस विल नॉट हेल्प हर। अगर वो जीवित नहीं रहना चाहती तो दवाइयाँ उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, वो दवाइयों से ठीक नहीं हो पाएगी। सीयू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। सीयू अपनी पूरी कोशिश करती थी कि जॉन्सी अपने आसपास की चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट ले। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। वो जॉन्सी से कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में बातें करती थी लेकिन जॉन्सी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करती थी। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी लगातार अपने बेड पर ही लेटी रहती थी। सीयू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इन टू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। सीयू और जॉन्सी दोनों ही आर्टिस्ट थी तो सीयू अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के रूम में लेकर आती है और पेंटिंग करना शुरू कर देती है। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड वाइल वर्किंग। जॉन्सी का माइंड बीमारी से हटाने के लिए वो काम करते हुए, पेंटिंग करते हुए थोड़ी विस्लिंग करती है, सीटी भी बजाने लगती है। सडनली सीयू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक सीयू ने जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना। शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। वो जल्दी से जॉन्सी के बेड के पास पहुंचती है और जॉन्सी को उल्टी गिनती कहते हुए सुनती है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एज वॉज सेइंग। जॉन्सी विंडो से बाहर देख रही थी और कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7। और जॉन्सी क्या कह रही थी? 12। थोड़ी देर बाद उसने क्या बोला? 11, फिर 10, फिर 9, 8 और 7। इस तरह से वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। सीयू एंग्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। सीयू ने बड़ी उत्सुकता से विंडो से बाहर देखा। शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल ऑपोजिट देयर विंडो। सीयू ने क्या देखा? उनकी विंडो के सामने जो एक दीवार थी वहाँ पर एक आईवी क्रीपर, एक पुरानी सी बेल, आधे रास्ते तक पहुँची हुई थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। बाहर तेज़ हवाएं चल रही थी, ऑटम सीजन था, पतझड़ का मौसम था, तो उस क्रीपर के, उस बेल के सारे पत्ते झड़ रहे थे। ओके स्टूडेंट्स,
What is it, dear? Sue asked. Sue ने पूछा, क्या हुआ? Six, whispered Johnsy. Johnsy ने धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, Six. They are falling faster now. किनके बारे में बात कर रही थी? वो पत्तों के गिरने के बारे में बात कर रही थी. क्या कहा जॉन्सी ने? कि अब ये लीव्स पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से गिर रहे हैं. Three days ago, there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले इस क्रीपर पर, इस बेल पर लगभग 100 लीव्स थी और आज सिर्फ 6 रह गई हैं. There are only 5 left now. और इतना कहते कहते सिर्फ 5 लीव्स रह गई. It is autumn, said Sue. Sue ने कहा, autumn है, पतझड़ है, पत्ते तो झड़ेंगे ही, and the leaves will fall. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. Johnsy ने बड़ी निश्चित आवाज में कहा कि जब ये आखिरी पत्ता गिरेगा, मैं मर जाऊंगी. I have known this for the last 3 days. पिछले 3 दिनों से मुझे यह एहसास हुआ है, मैंने ये जाना है कि मेरी तबीयत और इन पत्तों का कोई रिलेशन है. जैसे जैसे पत्ते गिर रहे हैं, मैं मरने की तरफ बढ़ रही हूँ और जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा, मैं मर जाऊँगी. ओह, दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू. सू ने जवाब दिया, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है. What have old ivy leaves to do with your getting well? इन पुराने ivy leaves का, पुरानी बेल के पत्तों का तुम्हारे ठीक होने से क्या लेना देना है? The doctor is confident that you will get better. सियू उसको समझाती है जॉन्सी को कि डॉक्टर ने कहा है, कॉन्फिडेंटली कहा है, पूरे विश्वास के साथ कहा है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी. जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा. सियू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बॉल ऑफ सूप. सियू गई और उसके लिए एक सूप का बॉल लेकर आई. I don't want any soup, said Johnsy. Johnsy ने कहा, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए. I am not hungry, मुझे भूख नहीं लगी. Now there are only 4 leaves left, अब सिर्फ 4 leaves बची हैं. I want to see the last one fall before it gets dark. मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ. Then I will sleep forever. फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी. Sue sat on Johnsy's bed, kissed her and said. Sue Johnsy के बेड पर बैठती है, उसे किस करती है और कहती है, You are not going to die. तुम मरने वाली नहीं हो. I can't draw the curtain for I need the light. सियू चाहती थी कि वो कर्टेन, वो पर्दा बंद कर दे. स्टूडेंट्स, draw the curtain when we say, it means curtains बंद करना भी हो सकता है और curtain खोलना भी हो सकता है. दोनों ही situations में हम draw the curtains words use करते हैं. तो यहाँ पर सियू कर्टेन बंद करने की बात कर रही है और वो कह रही है कि मैं कर्टेन बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पेंटिंग करने के लिए बाहर से जो लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसकी ज़रूरत है. आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस. अब जॉन्सी बीमार है और उसके इलाज के लिए और उसकी केयर के लिए पैसों की भी ज़रूरत है. तो सू कह रही है कि मुझे ये पेंटिंग ख़त्म करनी है, पूरी करनी है और इसे सेल करके कुछ पैसे चाहिए. प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी. वो जॉन्सी के आगे विनम्र निवेदन करती है कि प्लीज़ मेरी प्यारी फ्रेंड, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट. मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं पेंट कर रही हूँ, तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी. ऑल राइट, सेड जॉन्सी. जॉन्सी ने कहा, ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल.
जल्दी से अपनी पेंटिंग कंप्लीट करो, पूरी करो, क्योंकि मैं उस लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। तो मुझे भी इन बेचारे थके हुए पत्तों की तरह जाने दो, मैं शांति से इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। जैसे ये पत्ते थक कर गिर रहे हैं, इसी तरह से मैं भी थक चुकी हूँ और मैं शांति से सोना चाहती हूँ हमेशा के लिए, मरना चाहती हूँ। ट्राई टू स्लीप, सेड स्यू। स्यू ने कहा, सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, वो कहती है कि मुझे एक बूढ़े माइनर की पेंटिंग बनानी है। माइनर क्या होता है? माइंस के बारे में आपने सुना होगा, खदानें होती हैं सोने की, कोयले की। तो उन खदानों में काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? माइनर। तो सू कहती है कि मुझे एक बूढ़े माइनर की पेंटिंग बनानी है। आई विल कॉल बहरमान अप टू बी माई मॉडल, और माइनर की पेंटिंग बनाने के लिए मैं मॉडल के रूप में किसे बुलाऊंगी? बहरमान को। लेट्स सी हु इज बहरमान। सीयू रश्ड डाउन, सीयू जल्दी से नीचे जाती है, वो थर्ड फ्लोर पर रहते हैं तो वो नीचे जाती है। बहरमान लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बहरमान ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, और बहरमान एक्चुअली कौन था? एक 60 साल का बूढ़ा पेंटर। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, और उसकी पूरी जिंदगी का एक ड्रीम था। क्या ड्रीम था? एक मास्टरपीस। मास्टरपीस पेंट करना मींस अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बनाना चाहता था, वो पेंट करना चाहता था। बट दैट हैड रिमेंड अ ड्रीम, लेकिन 60 years की एज तक पहुंचने के बाद भी वो आज तक अपना ड्रीम पूरा नहीं कर सका था, और वो ड्रीम अभी तक उसका ड्रीम ही था। सीयू पोर्ड आउट हर वरीज टू बहरमान, सीयू ने अपनी सारी चिंता कि किस तरह से जॉन्सी जीने की इच्छा खो चुकी है, वो सारी बात बहरमान से बताई। शी टोल्ड हिम नाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, उसने बहरमान से बताया कि जॉन्सी को पूरा विश्वास हो चुका है कि जब ये आखिरी पत्ता गिरेगा वो मर जाएगी। इज शी स्ट्यूपिड, आस्क्ड बहरमान। बहरमान ने पूछा, क्या वो बेवकूफ़ है? हाउ कैन शी बी सो फूलिश, वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेन स्यू। सीयू ने आगे शिकायत की कि उसे बहुत तेज बुखार है। शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, और उसने कुछ भी खाने और पीने के लिए भी मना कर दिया है, और ये बात मुझे और ज़्यादा चिंता दे रही है। आई कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बहरमान सेड। बहरमान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और जॉन्सी को देखूंगा। दे टिपटॉट इन टू द रूम, टिपटॉट मीन्स दबे पांव चलना। वो दबे पांव धीरे धीरे कमरे में गए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। सीयू ड्रीव द कर्टेंस टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। ड्रीव टुगेदर मीन्स कर्टेंस को इकट्ठा कर दिया, बंद कर दिया। सीयू ने कर्टेंस को बंद किया और वो दोनों पास वाले रूम में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और खिड़की से उसने बाहर झांक कर देखा। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, उस क्रीपर पर, उस बेल पर सिर्फ एक ही पत्ता बचा था। इट वॉज रेनिंग हेविली एंड एन आईसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, बहुत तेज बारिश हो रही थी और बर्फीली ठंडी हवाएं भी चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, ऐसा लग रहा था कि वो आखिरी पत्ता किसी भी वक्त गिर सकता था।
बहरमान डिड नॉट से अ वर्ड, बहरमान ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने रूम में ग्राउंड फ्लोर पर वापस चला गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगले दिन सुबह उठी। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड स्यू टू ड्रॉ द कर्टेंस, बहुत कमजोर सी आवाज में उसने स्यू से कहा पर्दे हटाने के लिए। स्यू वॉज नर्वस, स्यू बहुत घबराई हुई थी। शी ड्र्यू बैक द कर्टेंस वेरी रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली मीन्स न चाहते हुए, उसने न चाहते हुए उन कर्टेंस को हटाया क्योंकि उसे लग रहा था कि आखिरी पत्ता बचा है जो जरूर गिर चुका होगा। ओ, स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड आउट एट द वाइन क्रीपर, स्यू खुशी के मारे कहती है ओ, जब उसने वाइन क्रीपर बाहर सामने बेल को देखा। लुक, There is still one leaf on the creeper. देखो, वहाँ क्रीपर पर, बेल पर अभी भी एक पत्ता बचा हुआ है। It looks quite green and healthy. और वो कितना हरा और कितना हेल्दी लग रहा है। In spite of the storm and the fierce winds, it didn't fall. इतनी तेज हवाओं और इतने तेज तूफान के बाद भी वो पत्ता नहीं गिरा। I heard the wind last night, said Johnsy. Johnsy ने कहा, मैंने कल रात को हवाओं की आवाज सुनी थी। I thought it would have fallen, और मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये पत्ता गिर चुका होगा। It will surely fall today. फिर Johnsy क्या कहती है? आज तो ये पक्का गिर जाएगा। Then I'll die, और फिर मैं मर जाऊंगी। You won't die, said Sue energetically. अब Sue को, Sue में एक एनर्जी आ गई है। उस लास्ट लीफ को बचा हुआ देखकर Sue में पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, पूरी हिम्मत आ गई है उसको विश्वास दिलाने की, और वो उसे कह रही है, तुम नहीं मरोगी। You have to live for your friends. तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के लिए जिंदा रहना होगा। What would happen to me if you die? अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा? Johnsy smiled weakly and closed her eyes. Johnsy धीरे से मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. लगभग हर एक घंटे के बाद वो उसने बाहर देखा, खिड़की के बाहर देखा, और क्या देखा? कि वो पत्ता अभी भी वहीं था। It seemed to be clinging to the creeper. ऐसा लग रहा था वो leaf उस creeper से, बेल से चिपक गया है। Clinging means चिपकना। In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. शाम को एक और तूफान आया, लेकिन वो पत्ता फिर भी नहीं गिरा। Johnsy lay for a long time looking at the leaf. बहुत देर तक जॉन्सी उस पत्ते को देखती रही। Then she called out to Sue. फिर उसने सू को बुलाया। I have been a bad girl. और उसे शायद अब थोड़ा रियलाइज हो गया था कि वो गलत कर रही है। वो सू से कहती है कि मैं कितनी बुरी लड़की हूँ। You have looked after me so lovingly. तुमने मेरा कितने प्यार से ध्यान रखा। And I have not cooperated with you. और मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल cooperate नहीं किया, बिल्कुल सहयोग नहीं किया। I have been depressed and gloomy. मैं कितनी उदास और निराश रही। The last leaf has shown me how wicked I have been. इस आखिरी पत्ते ने मुझे ये दिखाया है कि मैं कितनी क्रूर थी, मैं कितनी गलत थी। I have realized that it is a sin to want to die. मुझे ये एहसास हो गया है कि मरने की इच्छा रखना एक पाप है। Sue hugged Johnsy. Sue ने Johnsy को गले से लगा लिया। Then she gave her lots of hot soup and a mirror.
और फिर उसने जॉन्सी को खूब सारा गरम सूप दिया और एक मिरर भी दिया। जॉन्सी कॉम्ब्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। जॉन्सी ने अपने बालों में कंघी की और वो अब बहुत अच्छे से मुस्कुरा रही थी। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। दोपहर बाद डॉक्टर आए। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू। अपने पेशेंट को जॉन्सी को एग्जामिन करने के बाद उन्होंने सू से कहा, जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। विल मीन्स इच्छा। डॉक्टर ने कहा कि अब जॉन्सी में जीवित रहने की इच्छा जाग चुकी है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। मुझे पूरा विश्वास है कि अब ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। रिकवर मीन्स किसी बीमारी से ठीक होना। नाउ आई मस्ट गो डाउनस्टेयर्स एंड सी बहरमान। अब मुझे नीचे डाउनस्टेयर्स जाना होगा ग्राउंड फ्लोर पर बहरमान को देखने के लिए। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। बहरमान को भी निमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम। लेकिन मुझे डर है, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड। अगले दिन सुबह स्यू आई और जॉन्सी के बेड पर बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड। जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर बहरमान डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। आज सुबह मिस्टर बहरमान की निमोनिया से मृत्यु हो गई है। ही वॉज इल फॉर ओनली टू डेज। वो सिर्फ 2 दिन से बीमार थे, उससे पहले वो बिल्कुल ठीक थे। द फर्स्ट डे द जेनेटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। जेनेटर मीन्स वॉचमैन, द्वारपाल। पहले दिन जेनेटर ने उन्हें अपने बेड पर देखा। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग। उनके कपड़े और जूते गीले थे और वो कांप रहे थे। कौन कांप रहा था? बहरमान ठंड से कांप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। बहरमान उस तूफानी रात में बाहर थे। किस तूफानी रात में? जिस दिन वो आखिरी पत्ता बच गया था, उस तूफानी रात में बाहर थे। क्या आप कोई अंदाज़ा लगा सकते हो? What was बहरमान doing outside in that stormy night? Let's see. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. Lantern is lamp. और फिर उन्होंने क्या देखा? बहरमान के बेड के पास एक लेडर मीन्स एक सीढ़ी और एक लैम्प पड़ा था जो अभी भी जल रहा था। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेडर। और उस लेडर के पास, उस सीढ़ी के पास कुछ पेंट के ब्रशेस और ग्रीन और येलो पेंट नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे। जॉन्सी डियर सेड स्यू। स्यू ने कहा, प्यारी जॉन्सी, लुक आउट ऑफ द विंडो। खिड़की से बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ। उस बेल के पत्ते को देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोस। क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि जब हवा चलती है तब ये पत्ता हिलता क्यों नहीं है, फ्लटर क्यों नहीं करता? That's बहरमान's masterpiece. ये बहरमान का मास्टरपीस है, उसकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। ये बहरमान ने पेंट किया है, ये ओरिजिनल लीफ नहीं है, ये बहरमान का मास्टरपीस है। He painted it the night the last leaf fell. जिस रात वो आखिरी पत्ता गिरा, उसी रात बहरमान ने ये लीफ पेंट किया है।
सो स्टूडेंट्स, देखा आपने किस तरह से बहरमान ने सेल्फलेसली जॉन्सी की जान बचाने के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया, और स्यू ने भी अपनी ट्रू फ्रेंडशिप अपनी फ्रेंड जॉन्सी से निभाई। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी इज दैट इवन इफ वी हैव टू फेस बैड थिंग्स, वी शुड ऑलवेज हेल्प आवर लव्ड वंस। मॉरल क्या है स्टोरी का? कि चाहे हम कितनी बुरी से बुरी सिचुएशंस में क्यों ना हो, हमें अपने प्रियजनों की हमेशा मदद करनी चाहिए। द लास्ट लीफ इज अ स्टोरी विद अ लॉट ऑफ वैल्यूज। लास्ट लीफ एक ऐसी कहानी है जो हमें बहुत से नैतिक मूल्यों के बारे में बताती है। इट इज ट्रू दैट अ रियल फ्रेंड इज वन हु हेल्प्स यू इन नीड। ये बिल्कुल सच है कि एक असली दोस्त, एक असली मित्र वही है जो जरूरत के वक्त आपकी मदद करे। इन द स्टोरी स्यू एंड जॉन्सी वर गुड फ्रेंड्स एंड आर्टिस्ट। इस स्टोरी में स्यू और जॉन्सी बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी थी और आर्टिस्ट भी थी। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा किस तरह से बहरमान ने सेल्फलेसली जॉन्सी की जान बचाने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द स्टोरी। लेट्स सी सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन नंबर वन इज, जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम डैश। जॉन्सी कौन सी बीमारी से गुजर रही थी? ए निमोनिया, बी मलेरिया, सी हेडेक और डी स्टमक पेन। इन चारों में से कौन सी बीमारी थी जॉन्सी को? एंड द आंसर इज ए निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज जॉन्सी लुकिंग एट आउट ऑफ द विंडो? विंडो से बाहर जॉन्सी क्या देख रही थी? ए एन आईवी क्रीपर, बी अ मैंगो ट्री, सी अ रोज प्लांट और डी अ बनाना ट्री। एनी गेसेस स्टूडेंट्स? यस, द आंसर इज एन आईवी क्रीपर। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स, व्हाट वाज द क्योर टू हर इलनेस? डॉक्टर्स के हिसाब से जॉन्सी की बीमारी ठीक करने का क्या इलाज था? ए मेडिसिंस, बी स्ट्रॉन्ग मेडिसिंस, सी लव एंड केयर और डी हर ओन विलिंगनेस टू लिव। लेट्स सी द आंसर। इट्स डी, हर ओन विलिंगनेस टू लिव, उसकी खुद की इच्छा शक्ति जीने की। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज लुक्ड आफ्टर जॉन्सी सो वेल? जॉन्सी का इतने अच्छे से ख्याल किसने रखा? ए स्यू, बी बहरमान, सी जॉन्सीज मदर और डी जॉन्सीज फादर। आई होप यू नो द आंसर स्टूडेंट्स। यस, द आंसर इज ए स्यू, हर बेस्ट फ्रेंड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज बहरमान्स ड्रीम? बहरमान का क्या सपना था? ए टू ट्रेवल द वर्ल्ड, बी टू पेंट अ मास्टरपीस, सी टू मेक अ कलरफुल पेंटिंग और डी टू मेक अ पोस्टर। बहरमान इन चारों चीजों में से क्या करना चाहते थे? एंड द आंसर इज बी टू पेंट अ मास्टरपीस। वो अपनी सर्वश्रेष्ठ शानदार कलाकृति बनाना चाहते थे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट वाज बहरमान्स मास्टरपीस?
बहरमान ने मास्टरपीस बनाना चाहते थे तो उनका मास्टरपीस क्या था? ए पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ स्यू, पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ जॉनसी, पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ अ लीफ और ऑल ऑफ द अबव। किसकी पेंटिंग बनाई थी बहरमान ने? द आंसर इज सी, पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ अ लीफ। बहरमान ने उस लास्ट लीफ की पिक्चर पेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड बहरमान डाई ऑफ? बहरमान की मृत्यु किस वजह से हुई? ए फीवर, बी हार्ट अटैक, सी कॉलरा और डी निमोनिया। आई होप यू नो द आंसर स्टूडेंट्स। यस, द आंसर इज डी निमोनिया। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द रीजंस फॉर डिप्रेशन इन टीनेजर्स। नाउ इट्स योर टर्न टीनेजर्स, यू ऑल आर टीनेजर्स राइट? हु आर टीनेजर्स बाय द वे? टीनेजर्स मीन्स द चिल्ड्रन हुज एज बिगिंस फ्रॉम 13 ईयर्स एंड एंड अप टू 19 ईयर्स। मीन्स 13 साल से 19 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं जिन्हें हम किशोर भी कहते हैं उन्हें टीनेजर्स कहा जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो टीनेज होती है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एज होती है। अक्सर हमारी जो इमोशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वेवर करती हैं। कभी हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी हम बहुत शांत हो जाते हैं, तो एट टाइम्स हम डिप्रेशन के यानी अवसाद के शिकार हो जाते हैं। हम थोड़ी थोड़ी बातों पर ही उदास हो जाते हैं। तो क्या आप रीजंस बता सकते हो कि टीनेजर्स में डिप्रेशन के क्या रीजंस हो सकते हैं? जैसे जॉनसी भी डिप्रेशन में चली गई थी कि वो मर जाएगी, तो क्या रीजंस हो सकते हैं अगर हम आप टीनेजर्स से पूछें? ए पीयर प्रेशर, पीयर मींस आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपकी सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, क्या उनके प्रेशर के कारण आप डिप्रेशन में चले जाते हो? और बी पुअर परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम्स, अगर एग्ज़ाम्स में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है तो भी हम डिप्रेशन में जा सकते हैं या नहीं? और सी इनएबिलिटी टू लिव अप टू पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, कभी कभी हमारे पेरेंट्स को हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं और वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम उन्हें पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, तो क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है टीनेजर्स के डिप्रेशन का? या इन या डी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी रीजंस होते हैं। सो स्टूडेंट्स व्हाट डू यू थिंक? आई होप यू एग्री विद द आंसर एंड द आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। बहुत सारे रीजंस होते हैं टीनेजर्स के डिप्रेशन में जाने के। So this was the story and I hoped you learned the moral values from this lesson. Thanks for watching the video. This was Dr. Rashima Grover, lecturer in English, presently working in Arohi Model Senior Secondary School, Ramgarh Pandwa, Block Kalayat, District Kaithal, Haryana.